क्या आपने कभी सोचा था कि काश मैंने जो भी सपने में देखा उसे दोबारा देख पाऊं? इफ यस, तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो आपके दिमाग में जाकर आपके सपनों को रिकॉर्ड कर सकती है, और इसके जरिए सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके दोस्त या दुश्मन आपके वियर और स्ट्रेंज सपनों को देख पाएंगे। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम सब के साथ ऐसा हुआ है कि रात में हम कुछ सपने देखते हैं और सुबह उठने के साथ ही हम उन्हें भूल भी जाते हैं। फिर हम ऐसे सवाल खुद से पूछ रहे होते हैं कि ये मैंने क्या देखा था, बहुत गजब चीजें थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रही। हम दिमाग में जोर डालने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था सपने में, पर हम याद नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ सपने बहुत अच्छे से याद रहते हैं और कुछ तो सच भी हो जाते हैं। देखो, मुझे आपका तो नहीं पता, पर मेरी दी और कई और लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता रहता है कि जो उन्होंने सपने में देखा वो कुछ महीनों बाद सच हो गया। पर सपनों को रिकॉर्ड करने की टेक्निक नहीं होने के कारण हम ये बात किसी को साबित नहीं कर पाते, लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण अब ऐसा कर पाना पॉसिबल है। पर इसी के साथ सपनों से जुड़े कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं कि आखिर हम लोग सपनों को क्यों देखते हैं, क्यों कुछ सपने सच हो जाते हैं, कोई हमारे मन के इमेजिनेशन को कैसे देख सकता है, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे और क्या होगा अगर हम सपनों को रिकॉर्ड कर पाए। तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस चैनल पर मौजूद वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वीडियोस में से ये एक है, और मैं इसमें ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने पहले नहीं सुनी होगी और जिस कारण से ये वीडियो ऑब्वियसली थोड़ी लंबी हो सकती है। सपनों को हम अक्सर हल्के में लेते हैं, पर लैपटॉप, स्मार्टफोन, ट्रेन्स और अभी मौजूद लगभग सभी चीजें कभी किन्हीं का सपना था जो आज एक हकीकत है। दुनिया के कुछ महानतम आविष्कार और खोज भी सपने देखने के बाद ही हुए हैं। लैरी पेज ने सपने में देखा था कि वो पूरे वेब को कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद गूगल का आविष्कार हुआ। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी सपने का रिजल्ट थी। पीरियडिक टेबल को डिमिट्री मेंडलेव ने सपने में डिस्कवर किया था, और टर्मिनेटर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म भी सपने का रिजल्ट थी। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल दुनिया भर में मौजूद है जिससे ये बात तो साबित होती है कि सपने हमारे मन में चल रहे कुछ भी से काफी ज्यादा है। हम हर रात 2 घंटे सपने देखते हैं, कुछ डरावने वहीं कुछ बेहद अजीब जिन्हें हम किसी को बता भी नहीं सकते, और ऐसा सभी लोगों के साथ होता है। लेकिन ये बात कुछ को याद रह जाती है तो कुछ को नहीं, क्योंकि इन सपनों को हम जागने के 10 मिनट के अंदर ही भूल जाते हैं। अपने पूरी जिंदगी के 6 साल सपने देखने के बाद भी हम 10% भी याद नहीं रख पाते, क्योंकि सपने में हम ऐसी चीजें सोचने के काबिल होते हैं जो दुनिया के किसी रूल्स और प्रिंसिपल से बंधी नहीं होती। सीधा कहूँ तो जब सिर्फ कुछ लोग की इमेजिनेशन गूगल और पीरियडिक टेबल जैसे आविष्कार करवा सकते हैं, तो इस दुनिया में मौजूद 7.8 बिलियन लोग का दिमाग क्या कुछ इमेजिन करने के काबिल होगा, इनके इमेजिनेशन से क्या नहीं हो सकता। सपने इतने इम्पोर्टेंट है कि इसकी स्टडी के लिए एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसे हम ऑनियोलॉजी कहते हैं, और इन्हीं सब कारणों से हमारा सपनों को रिकॉर्ड करना या कहीं स्टोर करना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि हमें सपने क्यों आते हैं और हम क्यों देखते हैं। अगर आपने क्या होगा अगर हम कभी ना सोए इस वाले वीडियो को नहीं देखा, तो मैं बता देता हूँ कि हम ज्यादातर सपने रेम स्लीप में देखते हैं, और इसमें सोए होने के बावजूद हमारी आंखें हिलती रहती हैं। ये एक फेज है जिसमें हम सोने के 1.5 घंटे बाद पहुँचते हैं। खैर, रेम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट टर्म का इस्तेमाल मैं इस वीडियो में कई बार कर सकता हूँ, तो इसलिए बस आपको बता दिया। रेम स्लीप यानी कि सपना इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी इम्पोर्टेंस को जानने के लिए चूहों पर एक स्टडी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें चूहों को एक ऐसे बकेट में रखा गया था कि अगर चूहे सोते वक्त रेम स्टेज में चले जाएं, तो वो चूहे पानी में गिर जाएं और झटके से जाग जाएं। लगातार कुछ दिन ऐसा करने के बाद उनके मेमोरी का टेस्ट किया गया, और पता चला कि जो चूहे रेम स्टेज में नहीं जा पाए, मतलब अच्छी नींद नहीं ले पाए, उन्होंने काफी बेकार परफॉर्म किया। इससे ये क्लियर हो गया कि सपनों का हमारी रियल लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी की तरह 2010 में इंसानों पे एक रिसर्च की गई जिसमें 2 ग्रुप्स थे जिनको भूल भुलैया पार करने की ट्रेनिंग दी गई, और फिर एक टीम को सोने के लिए कहा गया और दूसरे को नहीं। फिर 5 घंटे बाद उन्हें खुद से भूल भुलैया को पार करना था। आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि किसने पहले भूल भुलैया को पार किया होगा। तो सरप्राइजिंगली जो ग्रुप ट्रेन होने के बाद सोने गई थी उसने दूसरे की तुलना में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्हें सपने में भूल भुलैया के विजुअल्स दिखे थे। इससे ये हम कह सकते हैं कि हमारा दिमाग चीजों को याद कराने के लिए सपनों को दिखाता है। इसके अलावा एक रिसर्च में देखा गया कि कोई इंसान किसी नई चीज को सीख रहा है, तो उस एक्टिविटी को सीखने वक्त उसके ब्रेन में चल रही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सोने वक्त उसके दिमाग में चल रही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से सिमिलर थी। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी किसी चीज को सीखने वक्त ब्रेन में हो रही थी, वैसी ही सेम फ्रीक्वेंसी उस वक्त हुई जब वो इंसान सो रहा था। इस ऑब्जर्वेशन से ये थ्योरी बनी कि सोने वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं एक्टिविटी को प्ले करता है
जो हमने उसी दिन एक्सपीरियंस की होती है, ताकि नए इन्फॉर्मेशन से दिमागी कोशिकाओं के कनेक्शंस स्ट्रांग हो सके। और ऑब्वियसली ये सब हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम सब तो खर्राटे ले रहे होते हैं। जब हम रेम स्टेज में होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता है, जिस वजह से वो जो भी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के रूप में लेता है वो इनकम्प्लीट होती है। और इन्हीं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीट करने के लिए हमारा कॉन्शियस माइंड लगातार कोशिश करते रहता है, जिससे आपको तरह तरह के विजुअल्स दिखते हैं और जिसे हम ड्रीम्स कहते हैं। क्योंकि हमारा कॉन्शियस ब्रेन सोने वक्त सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर रहा होता, तो ये कुछ रैंडम चीज़ें भी हो सकती हैं, और कुछ वैसी चीज़ें भी जो आपने उस दिन एक्सपीरियंस किया हो या सोचा हो। अब जानते हैं कि आखिर हमारे कुछ सपने सच कैसे हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताना। पर देखो, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा तीन रीजन से होता है। पहला कि कोइंसिडेंस, मतलब कि संयोग, इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, बस ये हो जाता है। दूसरा रीजन कि ऐसा हमारे बैड मेमोरी की वजह से होता है, इसका मतलब ये है कि हम एक रात में कम से कम 5 से 6 अलग अलग सपने देखते हैं। कुछ सपने तो 2 मिनट मैगी की तरह झट से खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से हमें उनका आइडिया भी नहीं होता। और हम हर रात सपने देखते हैं, चाहे हमें याद हो या नहीं, जिसमें से इट्स पॉसिबल कि हम एक सिनेरियो के डिफरेंट रिजल्ट को भी देखें और आप उसे भूल गए हो, जिसके बाद अगर उसमें से कोई भी रिजल्ट अगर सच हो जाता है तो आपको ऐसा फील होता है कि आपका सपना सच हो गया, जबकि असलियत में जो होना था वही हुआ, बस आप बाकी सपनों को भूल गए और आपको सिर्फ पॉजिटिव वाला याद रहा। एज एन एग्जाम्पल, आपने सपने में ये देखा कि आप फर्स्ट करोगे और ये भी कि आप फेल करोगे, पर हमारे बैड मेमोरी के कारण आप फेल होने वाले ड्रीम को भूल गए और आप वाकई में फर्स्ट आ गए, तो जो होना था वही हुआ, पर आपको याद सिर्फ एक ही रहा। और तीसरा कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण फ्यूचर चेंज कर दिया हो। देखो, इसे मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ। इमेजिन, आपने सपने में ये देखा कि आप अपने क्रश के साथ किसी वेकेशन पर हो, आपकी क्रश से फिलहाल बात नहीं होती, पर इस सपने देखने के कारण आपने अपने साइड से एफर्ट करना शुरू कर दिया और इस छोटे से एफर्ट के कारण आपकी उससे बॉन्डिंग अच्छी हो गई और आप लोग वाकई में वेकेशन पर चले गए। आपने इसके लिए अननोइंगली थोड़ी एफर्ट तो की और आपको वेकेशन में ऐसा याद रहा कि ये तो शायद आपने सपने में देखा था। इस तरह आपने फ्यूचर बदल दिया, जो शायद कभी ऐसा नहीं होता अगर आप अपने साइड से थोड़ा एफर्ट नहीं करते। खैर, इसके अलावा और भी कई रीजन है जिससे हमारे कुछ ड्रीम सच हो जाते हैं। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग हमारी स्पिरिट सपने देखने वक्त हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है और एक नए दुनिया में नई चीजों को एक्सपीरियंस करती है, जिसमें आप फ्यूचर की एक झलक भी देख पाते हो। इसको ऐसे समझो, इमेजिन आपकी जिंदगी का हर एक पल जो होगा या होने वाला है वो कॉलाज के फॉर्म में दीवार पर लगा है। आपके जागने वक्त कॉन्शियस माइंड के लिमिटेड कैपेसिटी होने के कारण आप बहुत छोटे पोर्शन को देख पा रहे हो और आप ज्यादा नहीं देख सकते, पर जब आप सपने में होते हो तो आपका लॉजिकल लिमिटेड ब्रेन काम नहीं करता और जैसा मैंने बताया, आप किसी रूल से बंधे नहीं होते, जिस वजह से आप समय के आगे भी देख पाते हो और आपको फ्यूचर की झलक भी दिख जाती है। देखो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, साइंस में ऐसी कई चीजें हैं जिसका कुछ सॉलिड प्रूफ भी नहीं है, बस वैज्ञानिकों ने कुछ सिचुएशंस को चेक करके अपने कन्वीनियंस के लिए थ्योरी बनाई है। ड्रीम्स भी कुछ इसी का पार्ट है। सपनों को और गहराई में समझने के लिए अगर हम इन सपनों को रिकॉर्ड कर लें तो हमें इससे काफी जानकारियां मिल सकती है। पर आखिर ड्रीम को रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? तो ऐसा fMRI स्कैनर और मशीन लर्निंग के थ्रू होता है। ये इंस्ट्रूमेंट किसी ह्यूमन ब्रेन में किस सिग्नल की वजह से कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये मेजर करता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग से एक पर्सन के दिमाग में किसी चीज को देखने वक्त क्या पैटर्न बनते हैं और ब्रेन में क्या एक्टिविटी होती है ये मॉनिटर किया जाता है। सिंपली, हम जब कुछ देखते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के हरकत की वजह से एक यूनिक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न तैयार होता है। लाइक, आप जब भी सपनों में घर को देखोगे तो आपके दिमाग में सेम पैटर्न बनेगा जैसा आपके दिमाग में जागे होने पर किसी घर को देखने पर बनेगा। इसी प्रिंसिपल पर साइंटिस्ट की टीम ने कई लोगों को रेम स्लीप के बीच में उठाकर उनसे पूछा, hey, what you dreaming about? और उनके जवाब को डाटाबेस में फीड करते रहे। हजारों डाटाबेस फीड करने के बाद सब्जेक्ट्स को फिर से वो पिक्चर जगे होने पर दिखाए गए जो उन्होंने सोते हुए देखा था और उनके ब्रेन एक्टिविटी को फिर से स्कैन किया। अब फिर से सब्जेक्ट्स को सुलाए गए और अब जो वो सपना देख रहे थे तो ब्रॉड इन्फॉर्मेशन होने के कारण सॉफ्टवेयर कैंडिडेट के ब्रेन में उस वक्त बनने वाले पैटर्न को पिक्चर के फॉर्म में शो कर रही थी। एक अलग रिसर्च में ये देखा गया कि सब्जेक्ट को कुछ रैंडम क्लिप्स दिखाने के बाद fMRI स्कैनर सब्जेक्ट के ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न की हेल्प से मशीन न्यूरोलॉजिकल पैटर्न से वीडियो रिकंस्ट्रक्ट कर पा रही थी। आप देख सकते हैं, लेफ्ट में सब्जेक्ट को दिखाए गए क्लिप्स है और राइट में मशीन ने जो गेस किया। आप देखो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम सपनों को देखते हैं, थोड़ा धुंधला और अजीब सा। इसके अलावा डैनियल ऑल्डिस ने सपनों में जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको देखने का अलग मेथड ढूंढा।
ऑल्डिस ने सपनों को रिकॉर्ड करने के लिए सब्जेक्ट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इलेक्ट्रोड से अटैच कर दिया। आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, हमारा ब्रेन सपने देखने वक्त नर्व इम्पल्स भेजता रहता है। इस नर्व इम्पल्स के थ्रू हम मसल को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन सोने वक्त हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स के प्रोडक्शन रुके होने के कारण हम सपने में दौड़ भी रहे हो तब भी रियल लाइफ में हमारे बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती है। और कुछ लोगों में ये केमिकल सोने वक्त भी प्रोड्यूस होती रहती है, जिस वजह से वो सोते हुए हाथ पैर मारते हैं। एनीवे, डैनियल ओल्डिस के मेथड से सपने में हमारे मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं और बाद में इसे एक कंप्यूटर कैरेक्टर से सिंक कर देते हैं, जिससे वो कैरेक्टर सपने में हमारे द्वारा किए जा रहे मूवमेंट को मिमिक करता है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग हम काफी ज्यादा क्लोज हैं और 10 सालों में लोग अपने सपनों को रिकॉर्ड करके कभी भी देख और सुन पाएंगे। इलॉन मस्क जैसे लोगों के सपनों पर तो फिल्में बन रही होंगी, पर इसके टेक्नोलॉजी के सच होने के बाद किसी के ड्रीम प्राइवेट नहीं रहेंगे। इसके साथ हमारे सोच भी प्राइवेट नहीं रहेंगे और हमें कई प्रॉब्लम से गुजरना होगा। मे बी फिर इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ लॉज निकाले और कुछ सिक्योरिटी फीचर इंट्रोड्यूस करे। वैसे अगर आप इस टॉपिक में काफी इंटरेस्टेड हो तो सोर्सेज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको आपके सपने याद रहते हैं। और जस्ट इमेजिन, सिर्फ 10 सालों में जब इतना कुछ हो सकता है तो 50 सालों में तो काफी कुछ बदल जाएगा जिसका हमें फिलहाल अंदाजा तक नहीं है, और जिसके सामने ड्रीम को रिकॉर्ड कर पाना हमारी एक बहुत छोटी सी अचीवमेंट होगी। तो कभी सोचा है क्या होगा अगर आप भविष्य में 50 साल आगे चले जाएं? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे, तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।